हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं और जिनमें श्री कृष्ण का एक नाम द्वारिकाधीश भी है। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, द्वारिका के राजा बने, इसी कारण वे द्वारिकाधीश नाम से जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो यदि हम आपको बताएं कि श्री कृष्ण ने केवल मात्र द्वारिका का ही निर्माण नहीं किया, द्वारिका के साथ ही और एक गुप्त नगरी का निर्माण किया था जिसको गुप्त द्वारिका भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली के पहाड़ी श्रृंखला पर इस नगरी को बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक और साधु रहते हैं। भारत की भौगोलिक रचना में भी अरावली को प्राचीनतम पर्वत कहा गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब घोर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो यही नगरी में सांभल नामक गांव में कल्कि भगवान का अवतरण होगा, क्योंकि कलयुग के कारण समस्त पृथ्वी दूषित हो गई होगी। इसी कारण इस पवित्र स्थान को गुप्त रखा गया है जहां पर केवल पुण्य करने वाले लोग ही होंगे और जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम बनेंगे। इसी कारण श्री कृष्ण ने इस गुप्त द्वारिका की रचना की थी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।